सो हेलो एवरीवन तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप फाइव ई एम ए और नाइन ई एम ए के बेसिस पर स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो तो वीडियो को एंड तक देखना आपको फाइव ई एम ए और नाइन ई एम एड कर लेना है अगर फाइव ई एम ए नीचे से नाइन ई एम ए को क्रॉस ओवर करता है तो आप बुलिश कैंडल पर ट्रेड प्लान कर सकते हो स्टॉप लॉस होगा उसी बुलिश कैंडल का लो और आप अपनी पोजिशन तब एग्जिट कर सकते हो जब मार्केट दोबारा नाइन ई एम ए के नीचे कैंडल क्लोज कर दे और अगर फाइव ई एम ऊपर से नाइन ई को क्रॉस ओवर करता है तो आप वहाँ पे बीएरिश कैंडल पर ट्रेड प्लान कर सकते हो स्टॉप लॉस होगा उसी बीअरिश कैंडल का हाई और आप अपनी पोजीशन तब एग्जिट कर सकते हो जब मार्केट दोबारा नाइन ई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे ये स्ट्रेटेजी आप ट्रेंडिंग मार्केट में यूज कर सकते हो रेंज मार्केट में फॉल्स सिग्नल ज्यादा मिलेंगे तो रेंज मार्केट में इस स्ट्रेटजी को अवॉइड करना तो ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में